Friends, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter. तो ये horizontal ground है और ये vertical pole है. इसकी height आपको दी गई है 18 meter. Guy wire is 24 meter long. तो गाय वायर मान लीजिए ऐसे 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 पड़ा है, तो ये टाइट नहीं है अभी, लेकिन तब भी लेंथ इसकी 24 मीटर होगी. एंड हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड. तो एक स्टेक यहां पर लगा हुआ है. आपने देखा होगा कई बार पोल को सपोर्ट करने के लिए वायर लगे होते हैं, दो तीन वायर लगे होते हैं. यहां इन्होंने एक ही बोला है. हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल. ये है बेस ऑफ द पोल. शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट. मतलब हम लोग इस स्टेक को यहां लेकर जाएं, इसे पकड़कर यहां लेकर जाएं, तो ये एक टाइम के बाद वायर बिल्कुल टाइट हो जाएगा. तो वो डिस्टेंस क्या होगी बेस से. ये है बेस ऑफ पोल. तो ये बताना है एक तरीके से. तो इसका नाम दे देते हैं ए बी, पोल का नाम ए बी ले लेते हैं. तो बी हो जाता है पॉइंट ऐसा जो बेस ऑफ पोल कहलाएगा. तो चलिए हम लोग वायर को अब टाइट कर ही देते हैं. तो बस कोई दिक्कत नहीं है. ये वायर की नई पोजीशन हो गई टाइट करने के बाद. जो हमारा स्टेक है वो यहां है. ठीक है, स्टेक के पॉइंट का नाम हम लोग एस दे देते हैं. तो ये पता है कि ये 90 डिग्री होगा और वायर की पुरानी पोजीशन को हम लोग हटा देते हैं. ये सिचुएशन है. तो अब आपको बस बीएस बताना है. ये 90 डिग्री है, ये 18 है. एक इंपॉर्टेंट बात, वायर की लेंथ तो टाइट होने के बाद भी 24 मीटर होगी. तो ये 24 मीटर है, इसी को गर्ल्स एंड गाइस वायर बोलते हैं, गाय वायर. ठीक है, तो एक तरीके से डायग्राम तो हमारा रेडी हो गया. अब जो भी बातें डिस्कस की वो हम लोगों ने लिख ली. लेट अ पॉइंट अ पोल ए बी, पोल ए बी बी इरेक्टेड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. है तो ये 90 डिग्री बनेगा विद बी एज बेस, पॉइंट बी एज बेस ऑफ द पोल. गाय वायर इज अटैच टू पॉइंट ए ऑन टॉप ऑफ द पोल एंड द अदर एंड ऑफ द वायर इज द स्टेक. अदर एंड ये है स्टेक. When the wire is fully taut, stake reaches point S. बस अब हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी एस, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी एस. ऐसा क्यों, या इस और अच्छा लिख दें एंगल ए बी एस is equal to 90 degree because AB is perpendicular to BS all poles are erected vertically on ground. ये तो लिख सकते हैं हम लोग, है ना. तो बस यही बात है. अब ये वर्टिकली ग्राउंड में इरेक्ट किया गया है तो ये 90 डिग्री है. इसका मतलब हम लोग पाइथागोरस यहां पे लगा सकते हैं. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी बी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर. ए बी इज इक्वल टू 18 मीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पोल. और ए एस इज इक्वल टू
24 मीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्या गाय वायर, ठीक है। तो ये दोनों बातें रीजन में लिख दी, तो सीधे यहां पे हम लोग रख सकते हैं। ए बी क्या था 18 स्क्वायर, ये बी एस क्या था कैलकुलेट करना था, है ना, हमें यही तो कैलकुलेट करना है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट, यानी कि हमें बी एस कैलकुलेट करना है। ए एस कितना है 24 मीटर, तो 24 स्क्वायर। अब बी एस क्या हो जाएगा, यहां पे काफी बच्चे क्या गलती कर सकते हैं कि 24 का स्क्वायर निकालेंगे, गलती नहीं है वो भी सही है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। 24 का स्क्वायर लिखेंगे आप 576, 18 का स्क्वायर लिखेंगे आप 324, और फिर काफी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। मैं क्या करूंगा, यहां पे 6 जो है कॉमन ले सकते हैं, क्यों, हम लोग 24 को 6 इंटू 4 का स्क्वायर, है ना, 18 स्क्वायर को 6 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा लिखने में ज्यादा होगा, लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि मैं कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यहां से मैं लिख सकता हूं 6 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये फायदा हो गया। ये सारी चीजें हम मन में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो बी एस आपका गड़बड़ हो रहा है, बी एस स्क्वायर चल रहा है अभी तो, और बी एस हो जाएगा इसका अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस, आप कर सकते हैं 16 माइनस 9। तो अब बस क्या हो जाएगा बच्चों, 6 स्क्वायर का अंडर रूट तो 6 हो जाएगा, और 16 माइनस 9 7 होगा, तो उसको अंडर रूट 7 लिख देंगे। आपकी बुक ने बस यही आंसर छोड़ दिया है, कोई डेसिमल में कैलकुलेशन नहीं की है, तो 6 अंडर रूट 7 मीटर यही हो जाएगी बेस से स्टेक की डिस्टेंस, बस यही आपका आंसर है। देयरफोर डिस्टेंस ऑफ स्टेक फ्रॉम बेस इज 6 अंडर रूट 7 मीटर, तो यही आपका आंसर हो गया। और आंसर को हमेशा की तरह रेड बक्सा पहना देते हैं। सो दिस इज डन नाउ।